नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए कविता लाया हूं वो हमारे एक दर्शक हैं रुद्र कुमार दुबे जी, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि ये कविता आप सबके साथ शेयर की जाए। इस कविता में क्रोध है, आक्रोश है, जिद है और प्रार्थना है, और इस कविता को लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इस कविता को उन्होंने 1943 में लिखा था जब देश के सामने बहुत सी समस्याएं थी, और एक तरह से इस कविता के माध्यम से दिनकर जी ने देश का जो यूथ है उससे आह्वान किया था। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज भी देश के सामने बहुत सी समस्याएं हैं, मैं भी एक छोटी सी इसमें कोशिश करना चाहता हूं आप सबके साथ इस कविता को शेयर करके। उम्मीद करता हूं कि जिस भाव से दिनकर जी ने इस कविता की रचना की थी वो भाव आप तक जरूर पहुंचेगा। तो आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है आग की भीख। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज सो रहा है। दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। बेचैन है हवाएं सब ओर बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है। मझधार है, भंवर है या पास है किनारा, यह नाश आ रहा या सौभाग्य का सितारा। आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा, आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा। भगवान इस तरी को भरमा न दे अंधेरा। तम बेधिनी किरण का संधान मांगता हूं, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूं। आगे पहाड़ को पा धारा रुकी हुई है, आगे पहाड़ को पा धारा रुकी हुई है। बलपुंज केसरी की ग्रीवा झुकी हुई है, अग्नि स्फुलिंग रज का बुझ ढेर हो रहा है। है रो रही जवानी अंधेर हो रहा है, निर्वाक है हिमालय गंगा डरी हुई है। निर्वाक है हिमालय गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है। पंचास्यनाद भीषण विकराल मांगता हूं, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूं। मन की बंधी उमंगे असहाय जल रही हैं, अरमान आरजू की लाशें निकल रही हैं। भीगी खुशी पलों में रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुझको पुकारते हैं। इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे। उन्माद बेकली का उत्थान मांगता हूं, विस्फोट मांगता हूं, तूफान मांगता हूं। आंसू भरे दृगों में चिंगारियां जला दे, आंसू भरे दृगों में चिंगारियां सजा दे। मेरे शमशान में आ श्रृंगी जरा बजा दे, फिर एक तीर सीनों के आर पार कर दे, फिर एक तीर सीनों के आर पार कर दे। हिमशीत प्राण में फिर अंगार स्वच्छ भर दे, आमर्श को जगाने वाली शिखा नई दे। अनुभूतियां हृदय में दाता अनलमयी दे, विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं। बेचैन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूं, ठहरी हुई तरी को ठोकर लगा चला दे।
जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे। गति में प्रभंजनों का आवेग फिर सबल दे। इस जांच की घड़ी में निष्ठा कड़ी अचल दे। हम दे चुके लहू हैं तू देवता विभा दे। हम दे चुके लहू हैं तू देवता विभा दे। अपने अनल विशिक से आकाश जगमगा दे। प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ। तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ। तो दोस्तों ये थी आग की भीख। उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस कविता में दोस्तों जैसा कि आपने देखा इसमें क्रोध है, इसमें जिद है और इसमें प्रार्थना भी है। और मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कोई पसंद की कविता कोई शायरी आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मुझे बताइएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी। इसी के साथ दिस इज़ जतन मोगा। जय हिंद जय भारत।